खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कई दिशा निर्देश भी दिए। संजीव कौशल ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को आधुनिकीकरण किया जाए ताकि एफएसएल की जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में मादक पदार्थों की आवाजाही पर निगरानी रखने और दर्ज मामलों में हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन किया जाए। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी एफएसएल का आधुनिकीकरण किया जाए ताकि एफएसएल की जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। वहीं संजीव कौशल ने कहा कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर प्रदेश में दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स एवं अन्य और तैयार दवाइयों की आपूर्ति और उसके उपयोग पर निगरानी रखे। इसके लिए अलग से निगरानी समितियों का भी गठन किया जाए और इसके अलावा एक पोर्टल भी तैयार किया जाए, जिस पर निगरानी समितियों की ओर से अपनी रिपोर्ट अपलोड की जा सके। वहीं मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी की मासिक बैठक कर समीक्षा करें। वहीं इन बैठकों की जानकारी और निर्णयों को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।